हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हॉयल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपियर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू, एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009, with Spielberg announced to direct the film in May 2010. Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5,800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हॉयल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपियर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में,
25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 मिलियन डॉलर का इसका बजट था, वरना 77.6 मिलियन डॉलर की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 BAFTA अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 मिलियन डॉलर का इसका बजट था, वरना 77.6 मिलियन डॉलर की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 BAFTA अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा।
स्क्रीन पे दिया लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वार हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वार हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन December 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस्ड टू डायरेक्ट द फिल्म इन May 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 horses। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the
ट्रेजेडीज ऑफ द वॉर हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। The production used 5,800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पे दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सीमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू, एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009 with Spielberg announced to direct the film in May 2010. Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5,800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पे दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सीमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू, एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards।
फ्रेंड्स इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रॉप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस कैमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू, एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009, with Spielberg announced to direct the film in May 2010. Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रॉप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस कैमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में,
25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 horses। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 horses। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा।
स्क्रीन पे दिया लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वार हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वार हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन December 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस्ड टू डायरेक्ट द फिल्म इन May 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 horses। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीम वर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the
ट्रेजेडीज ऑफ द वॉर हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म्स सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू, एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009 with Spielberg announced to direct the film in May 2010. Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू, एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards।
फ्रेंड्स इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट एस ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रॉप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस कैमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट एस ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009 with Spielberg announced to direct the film in May 2010. Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रॉप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस कैमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में,
25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 मिलियन डॉलर का इसका बजट था, वरना 77.6 मिलियन डॉलर की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 BAFTA अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस कैमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 मिलियन डॉलर का इसका बजट था, वरना 77.6 मिलियन डॉलर की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 BAFTA अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा।
स्क्रीन पे दिया लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वार हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वार हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन December 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस्ड टू डायरेक्ट द फिल्म इन May 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 horses। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन December 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस्ड टू डायरेक्ट द फिल्म इन May 2010।
Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5,800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 अकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 बैफ्टास अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। The production used 5,800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 अकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 बैफ्टास अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन,
पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिंडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच. सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट एस ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम. ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010. हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days. द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स. यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी. इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा. स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस. बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो. वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड. प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन. सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की. एडिट किया है माइकल कैन. म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स. प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स. इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में. रनिंग टाइम 146 मिनट. कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया. लैंग्वेजेस की इंग्लिश. 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी. द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards. फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं. द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिंडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच. सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट एस ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009 with Spielberg announced to direct the film in May 2010. Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स. यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी. इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा. स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस. बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो. वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड. प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन. सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की. एडिट किया है माइकल कैन. म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स. प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स. इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में,
25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 मिलियन डॉलर का इसका बजट था, वरना 77.6 मिलियन डॉलर की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 BAFTA अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हॉयल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस कैमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 मिलियन डॉलर का इसका बजट था, वरना 77.6 मिलियन डॉलर की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 BAFTA अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा।
स्क्रीन पे दिया लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वार हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वार हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन December 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस्ड टू डायरेक्ट द फिल्म इन May 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 horses। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009 with Spielberg announced to direct the film in May 2010.
Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5,800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हॉयल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 बैफ्टास अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। The production used 5,800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हॉयल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 बैफ्टास अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन,
पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिंडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच. सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट एस ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम. ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010. हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days. द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स. यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी. इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा. स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस. बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो. वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड. प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन. सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की. एडिट किया है माइकल कैन. म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स. प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स. इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में. रनिंग टाइम 146 मिनट. कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया. लैंग्वेजेस की इंग्लिश. 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी. द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards. फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं. द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिंडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच. सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट एस ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009 with Spielberg announced to direct the film in May 2010. Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स. यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी. इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा. स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस. बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो. वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड. प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन. सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की. एडिट किया है माइकल कैन. म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स. प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स. इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में,
25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 horses। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हॉयल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दी है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009, विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। The production used 5800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा।
स्क्रीन पे दिया लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वार हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वार हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन December 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस्ड टू डायरेक्ट द फिल्म इन May 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days। द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 horses। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉहल रिचर्ड कर्टिस, बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो, वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड, प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन, सिनेमेटोग्राफी दिया जेंसेस केमिंस्की, एडिट किया है माइकल कैन, म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स, प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में, रनिंग टाइम 146 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe, all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009 with Spielberg announced to direct the film in May 2010.
Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5,800 extra and 300 horses. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 बैफ्टास अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रप, डेविड थेवलिस, टॉम हिडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच। सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट, एज ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी, लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप, ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस्ड टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010। हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 डेज। द प्रोडक्शन यूज 5,800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स। यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा। स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस। बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो। वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड। प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेवलिस, पीटर म्यूलन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन। सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की। एडिट किया है माइकल कैन। म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स। प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 4 दिसंबर 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25 दिसंबर 2011 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 146 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी। द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 एकेडमी अवार्ड्स, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एंड 5 बैफ्टास अवार्ड। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं। द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन,
पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिंडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच. सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट एस ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट यूरोप ऑल द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग द ट्रेजेडीज ऑफ द वार हैपनिंग अराउंड हिम. ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स एक्वायरिंग द फिल्म्स राइट्स टू द नोवेल इन दिसंबर 2009 विद स्पेलबर्ग अनाउंस टू डायरेक्ट द फिल्म इन मई 2010. हैविंग डायरेक्ट मैनी फिल्म सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट वॉज हिज फर्स्ट फिल्म टू टेकल द इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, शॉट इन इंग्लैंड ओवर 63 days. द प्रोडक्शन यूज 5800 एक्स्ट्रा एंड 300 हॉर्सेस. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मूवी के रिव्यू को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ वॉर हॉर्स. यह 2011 में आई वॉर फिल्म थी. इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पेल के द्वारा. स्क्रीन पर दिया है लॉ हेल रिचर्ड कर्टिस. बेस्ड है वॉर हाउस बाय माइकल मॉरपर्गो. वॉर हाउस बाय निक स्टेफोर्ड. प्रोड्यूस किया है स्टीवन स्पेलबर्ग, कैथलीन कैंडीज के स्टार्स है एमिली वॉटसन, डेविड थेविलिस, पीटर म्यूलिन, नील्स एस्ट्रप, जेरेमी इरविन. सिनेमेटोग्राफी दिया है जेंसेस केमिंस्की. एडिट किया है माइकल कैन. म्यूजिक दिया है जॉन विलियम्स. प्रोडक्शन कंपनी है ड्रीमवर्क पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, एम्बलिन एंटरटेनमेंट, द कैनेडी मार्शल कंपनी. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स. इसकी रिलीज डेट थी 4th of December 2011 एवरी फिशर हॉल में, 25th of December 2011 यूनाइटेड स्टेट में. रनिंग टाइम 146 मिनट. कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया. लैंग्वेजेस की इंग्लिश. 66 to 70 million dollars का इसका बजट था, वरना 77.6 million dollars की इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी थी. द फिल्म वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप टेन बेस्ट फिल्म ऑफ 2011 बाय द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर 6 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards एंड 5 BAFTA Awards. फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में और बात करते हैं. द फिल्म असेंबल्स कास्ट इंक्लूडिंग जेरेमी इरविन, पीटर म्यूलिन, एमिली वॉटसन, नील्स एस्ट्रॉप, डेविड थेलिस, टॉम हिंडलस्टन एंड बेनेडिक्ट क्यूम्बरबैच. सेट बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इट टेल्स ऑफ द जर्नी ऑफ जो, ए बे इरिस हंटर हॉर्स रेस्ड बाय ब्रिटिश टीनेजर एल्बर्ट एस ही इज बॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी लीडिंग हिम टू एनकाउंटर न्यूमरस इंडिविजुअल्स and honors throughout Europe all the while experiencing the tragedies of the war happening around him. DreamWorks Pictures acquiring the film's rights to the novel in December 2009 with Spielberg announced to direct the film in May 2010. Having directed many films set during World War II, it was his first film to tackle the event of World War I, shot in England over 63 days. The production used 5800 extra and 300 horses.